नाम बताइए, कितने साल का रिलेशन था, क्या पूरा मामला है, शॉर्ट में बताओ। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वॉन्ट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया, मैंने कभी ये सब देखा नहीं था। तो वो शॉक्ड में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आ करके, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए, उसने मेरे आपके साथ साथ, मार, आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या 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 आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है, और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी, मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल, मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। कि अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया, पुलिस पहले कैसे बात रखा, अभी मैंने पुलिस ने 4 दिन पहले FIR की दर्ज की थी, जिस दिन ये हुआ था उसी दिन इनफैक्ट किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज़ मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है, आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है बस। असं। फ्रेम मध्ये सालाची बॉटल पण घे, फुल फ्रेम घे। तो डिवोर्स हुआ है क्या, बताएगा? उसने पहले छुपाया था 1 साल तक, उसके बाद मुझे पता चला तो उसने बोला कि हम लोग सेपरेट हैं, हमारा कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। आपका कितने साल का रिलेशन था? आपका 4.5 साल 4.5 साल का था, फिर बाद में अभी अचानक से उन्हें ऐसे मैंने बिहेव किए। देखा अचानक उधर लगे था। आराम से आपको, आपके कंफर्टेबल के हिसाब से रहो। हाँ बोलो। वो हॉस्पिटल में अरे मीटिंग शुरू था, मीटिंग खत्म होकर कॉल करते हैं, मीटिंग शुरू ऑफिस में। तो डिवोर्स हुआ है क्या, बताएगा? उसने पहले छुपाया था 1 साल तक, उसके बाद मुझे पता चला तो उसने बोला कि हम लोग सेपरेट हैं, हमारा कुछ रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है। आपका और कितने साल का रिलेशन था? आपका 4.5 साल 4.5 साल का था, फिर बाद में अभी अचानक से उन्हें ऐसे मैंने बिहेव किए। देखा अचानक। ओके ओके। हाँ यहाँ पर तो फुट टाक लगेगा, इस पैर में रॉड डाला है। हाँ। 4 बजे घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेळके, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट, जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279 338
504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासरगोड वाली पुलिस स्टेशन कर रहे हैं। उसका कहना कि जिस तरह से कंप्लेंट दर्ज की है, उस तरह से मामला नहीं है, फिर से मुझे कंप्लेंट करनी है, किस तरह से पुलिस कर रही है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासरगोड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। इन्वेस्टिगेशन में आगे और कुछ कहना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे। कितने लोग इसमें शामिल है और इस तरह पुलिस उनको तलाश करेगी? अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं।